हनुमानगढ़ी 1998, एक सत्य घटना या फिर सीधा ईश्वरीय संदेश। स्थान श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, अयोध्या मंदिर। समय साल 1998 का एक अघोषित दिन। मंदिर परिसर में लगे ठंडे पानी की मशीन के पास बैठा एक छोटा सा वानर मुंह में दो बिजली के तारों को लिए चबाया जा रहा था, मानो कोई फल हो। पूरा मंदिर खाली करा लिया गया था। एक एक श्रद्धालु और एक एक दर्शनार्थी, केवल पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता वहाँ उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के भीतर था, और वे सभी के सभी उस छोटे से वानर को बिजली का तार चबाते हुए देख रहे थे। पर मंदिर पूरा खाली क्यों था, और पुलिस के साथ में बम निरोधक दस्ता वहाँ क्या कर रहा था? इसे थोड़े से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1998 में घटी ये सत्य घटना आज तक किसी अखबार या न्यूज चैनल में ये घटना दिखाई नहीं गई है, अयोध्या के अति संवेदनशील होने के कारण। साल 1998 में करीब 20 किलो RDX अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश की STF यानी विशेष पुलिस दस्ते को लगी थी, जिसमें से अधिकांश RDX को समय रहते पुलिस की मुस्तैदी से जब्त कर लिया गया और अयोध्या में किसी प्रकार का धमाका नहीं हुआ। परंतु एक आतंकी बम निरोधक दस्ता का भेष बनाकर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक केवल एक मिनट का समय शेष रह गया था। मंदिर में बम के विस्फोट के लिए ऐसा उस आतंकी ने स्वयं बताया था। तुरंत पूरा का पूरा पुलिस बल, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसे और वो टाइम बम को खोजने लगे। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सबने देखा, मंदिर के प्रांगण में ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा सा वानर बैठकर अपने हाथों में दो ताल लिए उनसे घेर रहा था और मुंह में लेकर चबाया जा रहा था, जैसा कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके, और केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से उतरकर चला गया, या यूं कहो लुप्त हो गया। तुरंत ही बम निरोधक दस्ता वहां बुलाया गया, और जैसे ही मशीन खोली गई, उसमें से एक टाइमर सेट किया गया बम पाया गया। सर, इस बम को तो डिफ्यूज किया जा चुका है, ये देखिए टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया है। बड़े उत्साह के साथ बम निरोधक दस्ते के उस सिपाही ने सूचना दी, और कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर वही छोटे से वानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। मित्रों, आप ही बताइए, वो छोटा सा वानर था या फिर भक्त परवर श्री हनुमान जी महाराज संसार से कुछ कह रहे थे? निश्चित ही वो हनुमान बाबा या उनके दूत थे, और वो ये डंके की चोट पर सारे संसार को बता रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम की है, और इसकी ओर जब जब संकट आएगा, तब तब एक वानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा, अपने प्रभु की परम प्रिय नगरी पर आज भी नहीं आने देगा। दोस्तों, ये एक सत्य घटना जो कि आज तक कभी ना न्यूज चैनल पे और ना ही न्यूज पेपर पे दिखाई गई है।